हेलो फ्रेंड्स, आई एम मधुरिमा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। टुडेज़ वीडियो लेक्चर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम लास्ट थ्री वीडियो लेक्चर। सो टुडे टॉपिक इज़ मीडिया लिटरेसी एंड मीडिया क्रिटिसिज्म। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ मीडिया लिटरेसी? मीडिया लिटरेसी इज़ अ प्रैक्टिस दैट अलाउज पीपल टू एक्सेस, क्रिटिकली इवेल्युएट एंड क्रिएट और मैनिपुलेट मीडिया। The purpose of being information and media literate is to engage in a digital society. One need to be able to understand, inquire, create, communicate and think critically. It is important to effectively access, organize, analyze, evaluate and create message in a variety of form. So media literacy mean you have to be that much understanding of media so that you can critically evaluate what media messages we are receiving in our day-to-day life. So in digital society where there is a information overload and from everywhere, from every kind of media you get messages, you receive messages, so you have to be very much critical to understand that media message, to evaluate and to create message also, so that you can transmit the message. So next is media literacy. It is a very well defined media literacy here in this slide. In last slide we have seen that media literacy is a practice to access, critically evaluate and create or manipulate media. Here also it is the ability to access, analyze, evaluate the many complex message presented through mass media. तो हम लोग देखते हैं कि everywhere there is a complex message and होता क्या है ना कि जब हम मीडिया मैसेज रिसीव करते हैं तो हमारे पास चॉइस तो होता है, बट इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है कि हम चॉइस नहीं कर पाते हैं कि कौन सा मैसेज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, किसको हमें रिसीव करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो मीडिया लिटरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट हियर कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट मैसेज इज़ एक्चुअली हेल्पफुल फॉर यू, विच इज़ इंफॉर्मेशनल, जो कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो इफ़ यू आर मीडिया लिटरेट देन यू कैन बिकम मोर केयरफुल एंड क्रिटिकल कंज्यूमर ऑफ मीडिया मैसेज, सो they can make you more informed choices about their health, purchase values and also become a creative producer of media to more effectively communicate thinking idea and priority. तो जैसे कि example लीजिए कि हमें online shopping करनी है, ठीक है? तो online shopping में we have so many options, हमें बहुत सारे discount मिल जाते हैं, कुछ इस वाले वेबसाइट पे, कुछ दूसरे वेबसाइट पे, सो मेनी ऐप्स आर देयर, तो यू गेट कन्फ्यूज्ड एंड जो आपने मैसेज आपको उस मीडिया के थ्रू मिला है तो आप उसे परचेज करते हो, दैट इज़ ऑल्सो मीडिया मैसेज ना। जो भी आपको मीडिया के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है दैट इज़ मीडिया मैसेज। तो आपने जो परचेज किया एंड जो अब तक आया, जो आपने रिसीव किया है, दैट इज़ अगर वो डिफरेंट होता है दैट मीन्स आपने उस पर रिसर्च नहीं किया था, आपको पता ही नहीं है, आपने अच्छे से उसे एनालाइज नहीं किया था। अगर आप उसको एनालाइज करते तो हो सकता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट आया है वो अच्छा होता। तो दिस इज़ द थिंकिंग कि आप इजीली उसको एनालाइज कर सकते हो, इवेलुएट कर सकते हो जो भी कॉम्प्लेक्स मैसेज। अब ये तो ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो गई। न्यूज़ है थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न एक्सेट्रा, सोशल मीडिया, इंटरनेट ऑब्वियसली। तो इतने सारे मैसेजेस हैं जिसको आपको एनालाइज करना पड़ता है, कहाँ फैक्ट है, कहाँ नहीं है, कहाँ मिथ फैलाया जा रहा है, रूमर्स आर देयर, सो मैनी रूमर्स आर देयर। तो ये सारी चीज़ें जो मीडिया लिटरेट पर्सन होता है उनके लिए ईजी होता है कि इन सब चीज़ों से वो अपने आप को बचा सकें। सो दिस इज़ मीडिया लिटरेसी। नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड मीडिया लिटरेसी?
अब मीडिया लिटरेसी का क्या ज़रूरत है हमें? सो मीडिया मैसेज प्ले अ रोल इन कंस्ट्रक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग रियलिटी। तो एक्चुअली मीडिया मैसेज जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करता है रियलिटी को, मीडिया मैसेज थ्रू अ मीडिया। अब जैसे आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, आप कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है ना कि वॉट एवर मैसेज यू आर गेटिंग, यू आर रिसीविंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मीडिया, वो एकदम से हेल्पफुल है आपके लिए। तो यहाँ पे क्या था, वो मैसेज कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टेड है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, एंड दैट विल इन्फ्लुएंस द रियलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ सोसाइटी। सो मीडिया मैसेज प्ले अ रोल इन कंस्ट्रक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द रियलिटी। दिस इज द रीज़न वाई वी नीड मीडिया लिटरेसी। एंड नेक्स्ट इज, media producers are subject to a variety of influence and pressure that often serve a limited set of interest and perspective. Here media producer, the source hai message ke, they have also pressure on their mind, jo bhi wo message form karte hain, create karte hain, wo bhi kisi influence aur pressure mein banate hain, to unhe bhi ek limit, ek filter apply karna padta hai, तब जाके हमारे तक मैसेज आता है। तो दिस इज़ द रीज़न मीडिया लिटरेसी की हमें ज़रूरत है। जैसे कि आप डेली मोबाइल में, मोबाइल ऐप के थ्रू आप न्यूज़ रीड करते हो, आप फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो यू नो कि एट व्हाट टाइम यू हैव टू यूज़ दैट सोशल मीडिया एंड व्हाट टाइम यू हैव टू स्टडी और व्हाट टाइम यू हैव टू डू अदर वर्क। एंड दिस इज़ द रीज़न जो मीडिया लिटरेट होते हैं वो जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, और जो लोग को पता ही नहीं है कि जो मीडिया है उसका क्या क्या हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकता है, जो गलत मैसेजेस, ड्यूमर्स जो इन्वायरमेंट में फैल रही है उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट नीड ऑफ मीडिया लिटरेसी। एंड द नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ मीडिया लिटरेसी। अब जब नीड होगा तो देर इज़ अ पर्पस टू प्रोवाइड एक्सेस टू कम्युनिकेशन एंड मीडिया विथ ग्रेटर ईज एंड हाइटेन इंटरैक्टिविटी। अब मीडिया लिटरेसी अगर है आप में, डैट मीन्स यू आर यूजिंग मीडिया इन अ वेरी मैनरफुल वे, आप समझ रहे हो उस चीज़ को, तो एक इंटरैक्टिविटी बढ़ती है, आप सही चीज़ों को रिसीव कर रहे हो, सही चीज़ को आप एक्सेस कर रहे हो, है ना, विद अ ग्रेटर ईज। आप इधर उधर हर एक वेबसाइट नहीं ओपन कर रहे हो, यू आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट द सिलेक्शन ऑफ न्यूज़। आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारे न्यूज़ ऐप्स हैं, स्टिल आप किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल इन शॉर्ट ऐप को आप इंस्टॉल किए हो, एंड फ्रॉम दैट ओनली यू आर रिसीविंग अ मैसेज जो आपकी ज़रूरत है। टू प्रोवाइड कैपेसिटी फॉर क्रिटिकल एनालिसिस एज वेल एज क्रिएटिव प्रॉब्लम। एंड जब आपको पता है कि आपने जो मैसेज रिसीव किया है वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप डिलीट करते हो या फिर आप उसको नेगलेक्ट करते हो। सो हियर यू आर क्रिटिकल, थ्रू क्रिटिकल एनालिसिस ओनली ये जो भी प्रॉब्लम्स है इससे आप बचते हो। एंड वन मोर पर्पस ऑफ मीडिया लिटरेसी इज टू रिकोगनाइज हाउ मीडिया फिल्टर्स देयर परसेप्शन एंड कन्विक्शन मोल्ड पॉपुलर कल्चर एंड इन्फ्लुएंस पर्सनल डिसीजन। एंड समवेयर मीडिया जो है वो पर्सनल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, आपको ये चाहिए, बट द मीडिया विल शो कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हियर यू कैन रिकोगनाइज कि कहाँ पे परसेप्शन फिल्टर कर रहा है मीडिया, एंड कहीं वो कल्चर को इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा। तो इफ़ यू आर मीडिया लिटरेट एंड इफ़ द सोसाइटी इज़ मीडिया लिटरेट, देन दिस प्रॉब्लम विल नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडिया लिटरेसी। सो वी डिड नीड ऑफ मीडिया लिटरेसी, देन पर्पस, तो अब इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडिया लिटरेसी भी आएगा। सो दीज आर द पॉइंट्स। मीडिया लिटरेसी स्किल कैन हेल्प यूथ एंड एडल्ट, ऑब्वियसली एवरी वन, एवरी पर्सन। इट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल and understand how media messages shape our culture and society. कहीं कुछ कोई harmful impact तो नहीं है media message का, या really वो media message हमारे culture changes के लिए important है, कुछ society में कुछ गलत हो रहा है उसके लिए कुछ important है। and identify target marketing strategy, जो भी टारगेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है हम उसमें फंसने से, लाइक देर आर सो मेनी ब्रांड्स अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है, तो हमें नहीं पता है ना कि कौन सा ब्रांड
सही है नहीं है, क्योंकि जो भी न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं मार्केट में तो उसके लिए आप बहुत सारा एडवर्टीजमेंट आप देखते हो इन एवरी मीडिया चैनल्स ऑब्वियसली। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहीं कुछ ज़्यादा हाइप तो नहीं किया जा रहा है इस प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट उतना अच्छा है भी कि नहीं। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज व्हाट मीडिया मेकर वांट टू बिलीव और डू। तो अब ज़रूरी नहीं है कि जो सोर्स आप तक ट्रांसमिट कर रहा है, डिसमिनेट कर रहा है मैसेज, वही आप रिसीव करो। तो यहाँ पे आप रिकॉग्नाइज करते हो कि व्हाट मीडिया मैसेज जो है, जो भी मीडिया मैसेज, कैसे कौन से मीडिया मैसेज पे आपको बिलीव करना और किस पे नहीं करना। एंड नाउ यू कैन रिकॉग्नाइज व्हाट आर द बायस, पेन, मिस इन्फॉर्मेशन एंड लाइज इन दैट मीडिया मैसेज। नेक्स्ट इज डिस्कवर द पार्ट ऑफ स्टोरी दैट आर नॉट बीइंग टोल्ड। देयर आर मेनी मोर थिंग्स इन मीडिया जो कि हाफ स्टोरी ही दे पब्लिश और दे ब्रॉडकास्ट। तो You go and you investigate deep understanding आप मतलब you have find out each and every truth जो भी है उसमें। And next is evaluate media message based on your own experience, skill, belief and values। अब क्योंकि आप मीडिया मैसेज को समझते हो, आप इजीली इवैल्यूएट करते हो, आप एनालाइज कर लेते हो, दैट इज़ यू ऑन योर ओन एक्सपीरियंस, स्किल, बिलीफ एंड वैल्यूज। क्योंकि आपको पता है कि दिस इज़ अ र्यूमर, दिस मैसेज इज़ नॉट ट्रू, तो आप उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड ही नहीं करते हो। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हमें व्हाट्सएप या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं और बहुत ईजली लोग उसको फॉरवर्ड भी कर देते हैं, बट क्योंकि आपको पता है कि दिस मैसेज शुड नॉट बी फॉरवर्डेड। अभी COVID-19 के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे र्यूमर्स हैं, बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशंस हैं, तो बीइंग अ वेरी मच एक्टिव सिटीजन ऑफ एक्टिव ऑडियंस ऑफ मीडिया मैसेज एंड एक्टिव सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब हमें करना नहीं चाहिए, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। एंड नेक्स्ट इज क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट योर ओन मीडिया मैसेजेस। ऑब्वियसली आपको जो पता है, आपने जो एक्सपीरियंस किया है, जो आपको इम्पॉर्टेंट लगता है, यू विल शेयर इट और क्रिएट इट और डिस्ट्रीब्यूट इट। एंड वॉट आर द की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट हियर फॉर द मीडिया मैसेजेस। ओके, क्योंकि हम मीडिया लिटरेसी की बात कर रहे हैं तो मीडिया मैसेजेस ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मीडिया मैसेज में ही जो भी चेंजेस, मैनिपुलेशंस आते हैं। सो ऑल मीडिया मैसेजेस आर कंस्ट्रक्टेड, ऑब्वियसली दे आर कंस्ट्रक्टेड, कहीं ना कहीं उसे बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट इज ईच मीडियम हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रेंथ एंड अ यूनिक लैंग्वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिकॉज ईच एंड एवरी मीडिया आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लाइक इंटरनेट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रिंट एंड टेलीविजन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ओरल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। पहले हमारे एंशिएंट टाइम में ओरल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थे, जो लिसनिंग और वर्ड ऑफ माउथ से दे कम्युनिकेट द मैसेज। और अभी हमारे पास टेलीविजन है, रेडियो है, सोशल मीडिया है और इंटरनेट है, तो दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दे हैव सर्टन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड ऑब्वियसली यूनिक लैंग्वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो ये हमें समझना होगा। नेक्स्ट, ऑल मीडिया मैसेज कंटेन एम्बेडेड वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ व्यू। तो हर एक मीडिया मैसेज, बिकॉज ईच एंड एवरी मीडियम आर डिफरेंट, तो उसमें जो मीडिया मैसेज है वो डिफरेंट टाइप से कंस्ट्रक्टेड होगा और उसमें कुछ एम्बेडेड वैल्यू होंगे और पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, जो कि हर मीडिया मैसेज और जो कि हर एक अलग मीडिया में होगा वो डिफरेंट होगा। नाउ पीपल यूज़ देयर इंडिविजुअल स्किल, बिलीफ एंड एक्सपीरियंस टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन मीनिंग फ्रॉम मैसेज, क्योंकि आप यू आर वेरी मच अंडरस्टैंडिंग पीपल ऑफ द सोसाइटी, यू आर एक्टिव ऑडियंस, यू आर एक्टिव सिटीजन, तो यू हैव स्किल, experience to construct your own meaning from message. आप easily interpret कर सकते हो मैसेज को। Now media message must be considered within a social, political and economic context. It is very clear कि जो भी media message हम considered करते हैं that must be in socio, political and economic context. Media and media message can influence belief, attitude, values and behavior. जो भी media है
या मीडिया मैसेज है वो हमारे बिलीफ, एटीट्यूड, वैल्यू और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. एंड नेक्स्ट इज नेशनल प्रोग्राम्स. सो दीज नेशनल प्रोग्राम्स आर एक्चुअली द मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम. तो वन बाई वन वी विल डू ईच एंड एवरी नेशनल प्रोग्राम्स. फर्स्ट इज साइबर मोहल्ला. साइबर मोहल्ला और साइबर नेबरहुड. It began in 2001 as a result of collaboration between Sarai Project of Center of Study of Developing Society and Akur, an NGO from Delhi involving young people living in slum and working class neighborhood in Delhi. It is an experiment project which aimed to offer underprivileged young men and women access to emerging technology. It also aimed to demystify ICT and to provide a context of young participants from their improvised neighborhood to express their creative idea and to exert their interpretative energy. और ये जो यूथ थे इन्होंने सारी मल्टीमीडिया टूल्स यूज़ किया लाइक एनिमेशन, बुकलेट, ब्रॉडशीट एंड टेक्स्ट, फोटो, रिटन वर्ड, ऑडियो विजुअल, स्टोरी बोर्ड एक्सेट्रा, सो दैट दे कैन शो और डेवलप देयर पर्सपेक्टिव इन मोहल्लास एंड लोकेलिटीज. देयरफॉर द प्रोग्राम द सर्व द यूजफुल पर्पस ऑफ ओपनिंग अप स्पेसेस फॉर डायलॉग अमंगस्ट यूथ एंड प्रोवाइड देम विद अ फोरम ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन. तो जो भी नेबरहुड थे जो कि ऑब्वियसली प्रिविलेज्ड हैं और जो स्लम एरियाज थे उसके नियर बाय, उन लोगों के बीच में ये एक प्रोग्राम एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से हुआ था दिल्ली में. और यूजिंग दिस कि वो अपने अपने मोहल्ले के को किस पर्सपेक्टिव में शो करना चाहते हैं. नेक्स्ट इज सपोर्ट मीडिया लिटरेसी फॉर किड्स इन रूरल इंडिया बाय Agastya International Foundation. This program introduced underprivileged rural school children to the digital world, providing them with the means for self-expression through alternative and fun learning. The program benefited over 4,500 children from Karnataka and Andhra Pradesh, exposing them to the form of media and equipping them to create their own media, enable them to communicate in insightful and imaginative way. Guys, I know that there is too many content in this slide and last slide also. This is for you only. You can take note from here. So it will be helpful for you. क्योंकि media literacy से last time में बहुत सारे question आ चुके हैं. Maybe next time ऐसे questions भी आए. And the third is Media Club in School. Media Club in School is a Central Institute of Educational Technology NCERT project to promote media literacy in India. The project was launched in 2009-10. At present in India there are around 100 media club which are running successfully. ये promote करता है media literacy program को. बहुत सारे audio visuals वगैरह इसमें create होते हैं. Next, what are the objective of this program? To develop amongst students an understanding of importance of communication, to develop understanding of effects of mass media on themselves as individual and also upon society, to develop skills to encourage the production of creative media message, to encourage students to express their feelings and thoughts through media message they produce, to introduce students to various career opportunities in mass media. And the next is CIET NCERT initiative in media literacy. The Central Institute of Educational Technology, a constituent of NCERT, promotes utilization of educational technologies, especially mass media via radio, television, satellite communication and cyber media, either separately or in combination to widen educational opportunity and improving quality of educational process at school level. The CIET has also contributed to field of media literacy in a similar way by involving student in production of program. And in collaboration with the five State Institute of Educational Technology Institute, namely Hyderabad, Pune, Bhubaneswar, Ahmedabad and Lucknow, school going children in the year 2008-09 were trained in making video program. And next is UNESCO host an international expert group meeting at its headquarters in Paris
from 16 to 18 June 2008 to catalyze the process to introduce media and information literacy component into teacher training curricula worldwide. Expert is specializing in teaching training curriculum development, media education and information literacy, representing regions across the globe, will gather to agree upon framework for a model teacher training curriculum on media and information literacy. Next is Gandhi Media Literacy Program. So Gandhi Media Literacy Program for Children was initiated by Gandhi Smriti and Darshan Samiti in 2003. This program is implemented in several schools of Delhi, Chandigarh, Himachal Pradesh and Karnataka, aimed to help parents, teachers and students to become more discriminating in the use of mass media, to help them to distinguish between reality and fantasy and separate fact from fiction, think critically about media messages and help them to consider whether media values are their values or not. As a part of Gandhi Media Literacy Program, the Smriti has launched the Yamuna, a global children's newspaper. It presently a quarterly newspaper and has child reporter not only in the different part of our country but also in other countries. So the Yamuna is a global children newspaper jo ki ek quarterly newspaper hai and isme child reporter hai jo ki sirf country mein nahi hai hamare dusre countries mein bhi hai, and more than 100 girls have been empowered through this program and are not taking up various social cause. Next is UNOCD Quest Program on Media Literacy. The United Nations Office on Drug and Crime, in collaboration with Quest, the school program of Indian Express, organized the Media Literacy Workshop. More than 50 teachers from school in Delhi attended the workshop, and the objective of this seminar was to spread mass-based awareness amongst the youngster from class 6 onwards. The Quest, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्वेस्ट किसका स्कूल प्रोग्राम है, तो इट इज़ ऑफ इंडियन एक्सप्रेस. नेक्स्ट इज स्कूल KFI वर्कशॉप ऑन मीडिया एंड एजुकेशन. द स्कूल कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इंडिया Chennai hosted workshop on media and education from 4 to 6 January 2002. The workshop was organized to eliminate the issues surrounding the media and its increasing use by children and adults, and to create opening for educational intervention. The eventual goal of the workshop was to enable teacher and student to become more informed and discerning user of media. Next is Balwani, Voice of the Young. 30 children were selected from the village Lalitpur, aged 8 to 14. These kids are being trained to become child reporter by Sarthi Foundation, an NGO working for children in area supported by UNICEF. The sketches, text, poem produced by children depicting the reality of their surrounding at home, school and community at large reach key decision policy maker in the district and a state in form of bi-monthly magazine Balwani. So Balwani is a bi-monthly magazine. Next topic is media criticism. So first we did media literacy. That means you must have critical thinking or evaluation related to media message. Now next is media criticism. So media criticism at its most fundamental, the systematic examination of working and effect of communication media. So we examine the media working. Actually whatever media message we are receiving from the media channels or from anywhere, there are some fault in that, and on that fault we criticize media and media messages. तो हम लोग मीडिया मैसेज को किसी भी तरह से क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लाइक उसके कंटेंट, प्रेजेंटेशन या इंफॉर्मेशन ओवरलोड. फर्स्ट ऑफ ऑल इन मीडिया लिटरेसी वी अंडरस्टैंड कि क्या इम्पॉर्टेंट है एंड क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, और हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं मीडिया को उसके कंटेंट को लेके, या फिर ऑब्वियसली जो मीडिया जिस फॉर्म में हमारे तक आ रही है उस चीज़ को लेके हम लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, एंड विच इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर मीडिया.
So it is possible to examine media from a variety of perspective using a variety of methods, but the method of media criticism are most generally regarded as a set of qualitative methodologies. क्वालिटेटिव मेथोलॉजीज की अब हम लोग क्वालिटेटिव में ये बोल सकते हैं, जैसे कंटेंट है, लाइक्स एंड डिसलाइक, उस कंटेंट को कोई लाइक कर रहा है या नहीं लाइक कर रहा है, ठीक है, दैट अलाउ अस टू एग्जामिन मीडिया द मैसेज दैट आर होस्टेड बाय दोस मीडिया, द वे इन विच द मैसेज आर प्रोड्यूस बाय दैट मीडियम, द वे इन विच द मैसेज आर कंज्यूम फ्रॉम दैट मीडियम एंड द इफेक्ट्स, ऑब्वियसली इफेक्ट्स इज ऑल्सो हियर एंड स्पेशली सोशल इफेक्ट्स that can be reasonably associated with the use of that medium. तो जो भी medium या जो भी media message हम लोग consume करते हैं, that message अगर वो message proper नहीं होता है तो audience will criticize that media message. So criticism of media in order to make media function as a better watchdog or a better informer. So criticism is important so that the media will become a better informer or a watchdog of the society, as media is considered as a watchdog of society kyunki wo information pass karta hai from the source to the receiver. तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटी में तो वो इन्फॉर्म करता है जो भी हमारे रिसीवर है, जो भी अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं. नाउ media criticism has been described as the informed analytical evaluation and judgment of performance of the media. So we judge the performance of media and we analytically evaluate the performance of media. So Maxwell underlines that media is watched as much by society as the media itself watches society. The scrutiny can be divided into issue concerning media structure, conduct or performance. तो जितना media हमें watch करता है उससे कहीं ज़्यादा we watch media. Watch means we actually keep eye on media कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, and everything. And for example, television as an important form of text in media criticism, as it has a power to entertain, to educate, and most importantly to socialize us. It provides us with a constant and a steady flow of information, and its message are fragmented and disjointed. Furthermore, as one of the most important form of text, television acts as a kind of hegemony, a type of power the elite maintain over masses that avoid overt forces. Not only television, all kind of mass media, internet also, the important form of text, they also have a text which will have a criticism. And next is media criticism is an act of closely examining and judging of the media. Actually जो एंटरटेनमेंट है और इंफॉर्मेशन है, ये दो टर्म, वी कंज्यूम मीडिया फॉर एंटरटेनमेंट ऑल्सो एंड फॉर इंफॉर्मेशन ऑल्सो, बट मेनली फॉर इंफॉर्मेशन. बट वॉट एवर मीडिया मैसेज वी आर कंज्यूमिंग नाउ अ डेज इज मिक्सचर ऑफ बोथ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, सो इट बिकम इंफोटेनमेंट. बट अगर हम लोग परसेंटेज देखते हैं तो किसी भी मीडिया मैसेज में एंटरटेनमेंट ज़्यादा होता है. तो इट विल क्रिएट मोर एंड मोर प्रॉब्लम इन अ सोसाइटी, क्योंकि इंफॉर्मेशन कम है, एंटरटेनमेंट ज़्यादा है. तो इट विल क्रिटिसाइज मीडिया लाइक दिस. नाउ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडिया क्रिटिसिज्म? फीडबैक. क्रिटिसिज्म विल ऑब्वियसली गिव फीडबैक टू द मीडिया, एंड वंस मीडिया और मीडियम विल गेट फीडबैक तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, एंड वेन कॉम्पिटिशन विल इंक्रीज क्वालिटी ऑफ द मास media messages will increase. So these are three importance of media criticism: feedback, competition and quality. Apart from the term media literacy and media criticism, these are some important terms related to media, like media accountability. It is a belief that mass media has to be accountable in public interest, that is they are expected to behave in a certain way that contribute to a public good. Next is media governance.
Media governance, as an umbrella term, cover all means by which mass media are limited, directed, encouraged, managed, or called into account, ranging from most binding laws to more resistible of pressure and self-chosen discipline. तो इसमें सब कुछ आ जाता है लिमिट करने के लिए मीडिया को. नेक्स्ट इज मीडिया एफिनिटी. मीडिया एफिनिटी डिस्क्राइब हाउ वेल अ मीडिया मैसेज मैचेस विद द स्पेसिफिक ऑडियंस. कोई मैच है या नहीं, कोई कोहेजन है या नहीं. एट हाई एफिनिटी इज द क्लियर कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन मीडियम एंड द टारगेट ऑडियंस. वॉट एवर मीडिया मैसेज यू आर सेंडिंग टू योर टारगेट ऑडियंस, वो उसके साथ ईजिली बाइंड हो पा रहे हैं या नहीं, दैट इज मीडिया एफिनिटी. नेक्स्ट इज मीडिया फ्रेमिंग. मीडिया फ्रेमिंग कैन सिंपली बी डिस्क्राइब एज अ एंगल और पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच न्यू स्टोरी इज टोल्ड. इट इज एन एंगल. अब किस फ्रेम, लाइक अभी COVID-19 के सिचुएशन में वी सी टू टाइप ऑफ न्यूज. ए जो जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव न्यूजेस दिखाई जाती है, लाइक क्या क्या डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है, जैसे आत्मनिर्भर भारत एक्सेट्रा. या अब जो हम नेगेटिव साइड देखते हैं उसमें हमें दिखाया जाता है कि लेबर ऐसे ही वॉक करके जा रहे हैं अपने अपने डेस्टिनेशन पॉइंट में. सो टू टाइप ऑफ फ्रेम दे मीन. अब इट डिपेंड्स अपॉन द ऑडियंस कि वो कौन से न्यूज़ चैनल को लाइक करता है और किसको नहीं लाइक करता है. तो इट इज़ अपॉन द मीडिया टू फ्रेम द स्टोरी. नेक्स्ट इज मीडिया इम्पेरियलिज्म. Media imperialism is a theory based upon over concentration of mass media from larger nation as a significant variable in negatively affecting smaller nation, in which national identity of smaller nation is lessened or lost due to media homogeneity inherent in mass media from a larger country. तो मीडिया इम्पेरियलिज्म मीन्स जो भी डोमिनेंट कंट्री है, जो भी डोमिनेंट मीडिया ऑफ द डेवलप्ड country or developed society, they dominate on the underdeveloped. तो इससे क्या होता है, problem होता है कि हम जो वो message consume करते हैं जो हमारे society के लिए बना ही नहीं है. For example, जो भी western culture influence हो रहे हैं आज हमारे society में, जो भी undeveloped countries में हो रहे हैं, this is media imperialism. So these are some important topic related to media. Some important terms actually related to media. Oh, thank you so much. I hope you like this video. Please like, comment, share and subscribe my channel so that I can make more and more video for all UGC NET Mass Communication aspirants. Thank you so much.